दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ इस घंटे को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो के अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। जी आप खेसारी लाल यादव जी बोल रहे हैं ना? मैं इनका सोनू बोल रहा हूँ। सोनू नहीं, खेसारी लाल यादव सिंगर एंड एक्टर, खेसारी भोजपुरी सिंगर एंड एक्टर खेसारी लाल यादव। काम बताइए ना। हाँ जी, थैंक यू जी। आप थोड़ा सा लाइव आके अपने फैंस लोगों को बताएंगे कुछ क्या जी, कि आपके फैंस लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ भी बोल देते हैं? अगर एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, मैं आपको कितने कुछ लोगों को जानते हैं खेसारी जी, बताइए ना। हाँ? कितने लोगों को जानते हैं जो नो आप देखिए, एक बात बताइए, आपके फैंस आपके फैंस हैं तो आप लाइव आएंगे जब ना। हाँ, जब लाइव आएंगे तो आपकी न्यूज तो हर फैंस आपका देखेगा ना। तो कितने कमेंट देखते हैं खेसारी जी? कमेंट की बात छोड़िए, कमेंट तो हम खुद हैंडल कर लेते हैं। पवन सिंह के फैंस में इतना औकात है कि हैंडल कर लेंगे, ठीक। ओके हाँ। आप कौन बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं बताइए ना। मैं बोल रहा हूँ अंकित शुक्ला, स्टेट एमपी से। अंकित शुक्ला जी बाबा बताइए। बात वो नहीं है, बात ये है कि हमने थोड़ा फैंस लोगों को बता दीजिए कि पवन सिंह फैंस की अगर पोस्ट जाते हैं तो इनको प्रॉब्लम क्या है, ये बताइए। फेसबुक पे अगर पवन सिंह का कोई भी फैंस पवन सिंह की पोस्ट करता है तो ये बीच में क्यों कूदते हैं, ये मेरे को बताइए भाई। अच्छे बताइए कि अब इतना अपना काम धंधा छोड़ के कोई अभी ही सब चीजों पे नोटिस करेगा? आप एक काम कीजिएगा, दो मिनट के लिए लाइव आके प्लीज बता दीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं तो पता नहीं कि क्या होता है, हमारी आईडी तो ऐसे ही चलती है और जैसा होता है ना। अभी आपका एक पवन सिंह ऑफिशियल ग्रुप में एक आपका फैंस दीपक यादव, वो पोस्ट किया था और फिर जाके पवन सिंह की बताइए ऐसी फोटो डालते हैं, हम क्या करें। पहले आप नेटवर्क में आके मैं अच्छे से बात करिए ना, नेटवर्क कट रहा है। मैं ये बोल रहा था नहीं, वो बातें नहीं है, लेकिन आपको इस नंबर किसने दिया? हाँ, ग्रुप में आया है, मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आया है। ओके, फालतू में गाली खाते हैं। सोचिए अगर पवन सिंह के 10 फैंस के बीच में कॉन्फ्रेंस में बात करेगा तो उसको क्या लगेगा, सोचिए। नहीं, मेरा मानना ये है कि आप अगर आप एक ब्राह्मण कुल के आदमी है, मैं आपको एक चीज समझा देना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी अपना काम करे कि इस सब मैटर में उलझे, बताइए। आप कुछ नहीं कर सकते ना। ओके ओके सर, मैं आपसे यही तो सुनना चाहता हूँ, बाकी तो हम खुद हैंडल कर लेंगे, पवन सिंह के फैंस इतने सक्षम है। अरे भाई, आप पवन सिंह के फैंस हैं, चाहे दिनेश जी के हैं, चाहे खेसारी के हैं, चाहे मनोज तिवारी के हैं, वो अलग मैटर हो गया भाई। पवन जी भी सम्मानित है, खेसारी जी भी सम्मानित है, हर आदमी सम्मानित है और हर आदमी अपने काम को कर रहा है। मेरा मानना यह है कि आदमी अगर इस छोटी छोटी चीजों पे अगर वर्क करने लगे तो अपना काम कब करेगा, ये बताइए। आप अगर ब्राह्मण कुल के आदमी हैं, पूजनीय हैं, सम्मानित हैं, हर ब्राह्मण हम लोगों के लिए पूजनीय होता है। लेकिन एक बात तो हम बोलते हैं आपसे, अगर कोई पवन सिंह के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलेगा, चाहे वो राजपूत रहे, यादव रहे, किसी भी कास्ट का रहे, उससे कास्ट से लेना देना नहीं है मेरे को, लेकिन अगर पवन सिंह सिंगर पवन सिंह के खिलाफ रहेगा तो हम उसकी माँ बहन करने से कोई माइका करना है। देखिए आपको जो करना है आप करिए, उनको जो करना है वो करेंगे। अब इसमें कोई स्टार का इन्वॉल्व होगा? काम कीजिएगा, आप लाइव आके थोड़ा सा बता दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, मेरा मानना वो है कि देखिए, सबसे बड़ी कि हम कितने लोगों को जानते हैं जो इस सब चीज करके, अगर हम डेली आपके जैसे लोग भी मेरे भाई ही हैं, आप भी आपके जैसे हर आदमी मुझे फोन करके बोलेगा जब मुझे किसी ने गाली दिया, मुझे किसी ने गाली दिया, तो कितने लोगों को हम अब हम झगड़ा सलटाएंगे कि हम अपना काम करेंगे, पहले बताइए। अब हम काम भी तो करना है ना मुझे, मैं अपना काम भी तो करना है ना मुझे। ठीक है, आप अपना काम कीजिए, बाकी मैं देख लूंगा क्या है। आपका वो उससे मैटर है, उनसे आपका मैटर है, आप बिल्कुल देखिए। पवन भी अभी मेरे नहीं, सुनिए, पवन जी भी बड़े भाई हैं, वो भी सम्मानित हैं, हमारी अपनी सम्मान है, सबकी अपनी अपनी सम्मान होती है ना। अब उसमें कौन कहाँ क्या बोल रहा है,
अब उसके लिए हम डेली में अब एक एक्सक्यूज देते रहे हर आदमी को, बताइए ना। आप खुद सलट लीजिए, आप उतना सक्षम ही है। ओके ओके, अब तो हम बताएंगे, वो चैलेंज करते हैं आपके फैंस की एमपी में खड़े होके क्या कर सकता है, तो अब हम बताएंगे कि अब जिसकी पहुंच मुंबई से लेकर नेपाल तक है वो किसी को भी हिला सकता है। अरे भाईजान, बाबा बाबा प्रभु हैं आप, ब्राह्मण कुल के आप, परशुराम के खानदान के महाराज, अब तो हम बताएंगे कि आप हम ही कर सकते हैं महाराज, ऐसा थोड़ी है। देखिए प्लीज, आपके मुंह से शोभा नहीं देता, आप जो गाली दे रहे हैं हम पवन सिंह के खिलाफ कुछ एक लफ्ज सुन नहीं सकते पवन जी अच्छे इंसान है, अच्छे गायक है, कि एक महान स्टार है महाराज, उनके खिलाफ कोई भी सुनना नहीं चाहेगा, ऐसे कैसे कोई बोल देगा, चाहे गाली दे देगा चाहे बोल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। भेजू क्या इसी नंबर पे? नहीं, इस पे ये इस पे कोई मेथी इसकी नहीं, कोई नेट नहीं चलता इस पे, ये नेट नहीं चलता इस पे। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, आप अपने हिसाब से हैंडल करिए।